प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी रिएक्शन हमें मिल रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। नागदा से एक रिएक्शन हमें मिली, कुशवाहा जी हैं, गोस्वामी जी को बहुत प्रणाम भेजा है इन्होंने, और इनका ये भी कहना है कि आप नागदा आइए तो एक दो दिन का कार्यक्रम इस तरह से, हम इस तरह की संकल्पना को लेकर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास जो रहा है वो रहा है कि सनातन परंपरा के अनेक अर्थ हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी परंपरा की, और ये एक ऐसी परंपरा है जिसकी नवीनतम व्याख्याओं के लिए इसने अपने को हमेशा खुला रखा है बिना भ्रुगुटी ताने। ये कभी ये नहीं कहती कि आप मेरे इस विषय को लेकर, रामायण की एक चौपाई के असंख्य मायने हैं, जो सिनिसिस्ट हैं वो उसको उस नज़रिए से भी देख लेते हैं, दोष भी देख लेते हैं, जो उसमें प्रेम में डूब कर उस आनंद को महसूस करते हैं। और आज बड़ा सुंदर, चूंकि थोड़ा विषयांतर जरूर लगेगा आपको, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के बड़े लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं और ऐतिहासिक संदर्भों पर उन्होंने बहुत लिखा है। उनकी मुलाकात एक बार रूस के जाने माने समीक्षक तिखनोव से हुई। रूस में मुझे भी उस संस्मरण को पढ़कर ये ज्ञात हुआ कि रूस में रामचरित्र मानस, उस समय की बात है, अब ये आज की स्थिति का अपडेशन मेरे पास नहीं है, कि रूस में रामचरित मानस बहुत लोकप्रिय है। ऐसा रामकुमार जी का संवाद जब रूसी समीक्षक तिखनोव से हो रहा है तो रामकुमार वर्मा यही कहते हैं कि हम लोग तो बहुत आदर सम्मान से, रामचरित मानस हमारे लिए बड़ा आदर्श ग्रंथ है, लेकिन आप के यहाँ इसकी लोकप्रियता क्यों है? तो उन्होंने कहा, देखिए, आप तिखनोव जो रूसी थे, उन्होंने कहा कि आपके लिए राम ईश्वर हैं, हम तो उनको मनुष्य की तरह देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो रूस में लोकप्रिय है रामचरितमानस, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे सारे दुनियावी प्रश्नों के उत्तर हमें रामचरितमानस में मिल जाते हैं। आप जहाँ भी तुलसीदास जी की चौपाई पर आप दृष्टि रखते हैं या रामायण को पढ़ते हैं तो मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर, जो उसकी भौतिक दुविधा से या तमाम आत्मिक दुविधा से जुड़ा है, मिल जाता है। आज हम जिस प्रश्न को ले रहे हैं, ये हमारे एक युवा साथी ने हमको भेजा है, इनका नाम मैं छोड़ देता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि जो बौद्धिक, माफ़ कीजिएगा, विलास भी प्रतीत होते हैं, उसमें प्रश्नकर्ता प्रश्न से अधिक उस स्तर को जानना चाहता है कि देखें इनके वक्ता हमारे मूल भाव को समझ पाते हैं या हमारे प्रश्न जाल में उलझ जाते हैं। ये स्वाभाविक है, मनुष्य का बहुत स्वाभाविक गुण है ये। विद्वता का भी एक बहुत गहरा बोध हम सबके मन में होता है। इन जिन युवा साथी ने प्रश्न किया, इन्होंने कहा है कि निंदक नियरे राखिए तो आप कहते हैं, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग हैं और मुझे लगता है संसार में अनेक लोग हैं जिनको निंदा करने में भी बहुत मज़ा आता है। जहाँ निंदा का राग छिड़ता है हम इतनी प्रसन्नता से उसमें शामिल हो जाते हैं, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, मुझे भी लग रहा था ये आदमी शुरू से ही गड़बड़ था, और हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन ये तो हुई एक ऐसी व्याख्या जो आज के जगत में, ये बिल्कुल ठीक बात है कि निंदा जब शुरू होती है, शायद हमारा मूल स्वभाव अंदर कहीं जो विकृति बैठ जाती है, वो इतनी बैठ जाती है कि हम बड़ी मूर्तियों को, छोटी मूर्तियों को धराशायी होते ही देखना चाहते हैं। एक अजीब किस्म की, जिसको अंग्रेज़ी का एक शब्द है और हिंदी में हम उसको कहते हैं विकृत अभिरुचि, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, यानी कि अगर किसी बड़े व्यक्ति का या आसपास कहीं, कई लोगों को मैं देखता हूं कि एक्सीडेंट होने पर भी उनकी आंखों में ऐसे भाव होते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि जैसे उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जो बड़ी उनके मन को प्रसन्न करने वाली है, उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं दिखती। और यही वजह है कि आज ऐसी जितनी भी घटनाएँ होती हैं, लोग बड़ी तसल्ली से मोबाइल से उसे शूट करते हैं। ये दरअसल एक किस्म की विषयासक्ति है, विषय के प्रति हमारा बहुत गहरा आकर्षण है। हम किसी के दर्द से नहीं जुड़ रहे हैं, किसी की पीड़ा से नहीं जुड़ रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य उस समय भी कि जब कोई दम तोड़ रहा है, ईश्वर न करे, उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, अरे 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 बड़ा खून बहा है, बड़ा खून बहा है, और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा,
या किसी चैनल में दे दूंगा या अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा तो कितना लोगों का रिएक्शन आएगा। ये विषयों के प्रति आपकी आसक्ति, क्योंकि वहाँ भी किसी की गहरी पीड़ा में भी आप देख रहे हैं कि आपकी जय जय होगी, आपकी चर्चा शुरू होगी। तो दरअसल निंदा के प्रति भी एक गहरा आसक्ति भाव है, सिर्फ निंदा के प्रति नहीं, निंदा के प्रति और अधिक है, क्योंकि शायद हम इतने बुरे होते हैं कई बार कि जगत में हम किसी को अच्छा नहीं देखना चाहते, और अगर किसी के बारे में अच्छी बात होती है तो उस मूर्ति को हम टूटते हुए देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता था, बातें बड़ी बड़ी करता था। बड़ी बड़ी बातें तो आप भी करते हैं, लेकिन आपको ये संतोष हुआ कि जितना काला मैं हूँ भीतर से मन, उतना ये भी है। तो ये गहरी नकारात्मक विषय आसक्ति है। मैं तो पढ़ा हुआ बोल रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रस्तावना के लिए। इस पर हमारे विद्वान वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता, वही प्रकाश डालेंगे। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, और निंदा विषय आसक्ति समग्र रूप से विषय आपके सामने। आज आपने अच्छी शुरुआत की है और इसकी बढ़िया व्यापक विवेचना भी आपने बहुत अच्छी की है। निंदक कभी बुरा नहीं होता, निंदा करना अच्छी बात है। जिनका पात्र छोटा होता है ना, वो उसमें अर्जन नहीं कर सकते हैं। तो वो फिर वमन करने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। अब पात्र छोटा है तो वो पात्र होता बड़ा है, लेकिन वो चूंकि उतने ही हिस्से का उपयोग करते हैं तो वो पात्र संकुचित होता चला जाता है। तो जिनका मन रूपी पात्र छोटा होता है और उसमें वो अर्जन करके विशाल नहीं करना चाहते, मन तो उस इलास्टिसिटी की तरह है, इतना लोचदार है कि जितना विशाल आप करना चाहें उतना बढ़ जाए, लेकिन अगर आप उसका उपयोग नहीं करना चाहते तो वो संकुचित हो जाता है। फिर जो इतना संकुचित हो जाता है कि थोड़ा भी आहार जाए तो वो वमन करने लगता है। मैं मन की बात कर रहा हूँ। तो जब हम केवल वमन में रुचि लेते हैं तो हमको निंदा प्रिय लगने लगती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम और कोई चीज ग्रहण नहीं करना चाहते। तो ये सरल तरीका है ना, पानी पीना नहीं है, जलपान की इच्छा शेष नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मुंह में भरेंगे, कुल्ला करेंगे और वमन कर देंगे। हाँ। आपको अच्छा लगेगा, जैसे छोटे बच्चे मुंह में भर के एक पिचकारी की तरह भी थूक देते हैं। हाँ। तो उनको लगता है इतनी दूर गया, आप चलो खेलें, खेल खेल करते हैं। तो निंदा भी वमन की एक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, वमन की एक प्रक्रिया है। अब आप दूसरी बात एक समझिए, मूल रूप से हम पराधीनता में स्वाधीनता की अनुभूति करते हैं। हमारा भ्रम देखिए, होते हम पराधीन हैं लेकिन हम अपने आप की स्वाधीनता की अनुभूति करते हैं। एक दुखी व्यक्ति से मैं मिला, तथा कथित दुखी व्यक्ति से, क्योंकि ध्यान रखिए अध्यात्म में सुख दुख जो है सापेक्ष घनत्व के हैं, होते नहीं है, अनुभूति का विषय है, अनुभूति का विषय, ये केवल अनुभूति का विषय है। लेकिन उनसे मैं मिला, दुखी क्यों हूँ? अरे बोले देखिए साहब, आज मेरे पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा है तो देखो कितना पैसा खर्चा कर रहा है, बड़ा आदमी, पैसे से सब कुछ प्राप्त कर ले रहा है वो। एक दिन जब मेरे पास पैसा आएगा तब तो मैं आपको बताऊंगा, आज मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। अच्छा, जिसके पास पैसा है उसे वो स्वतंत्र मान रहा है, ध्यान रखिएगा। अब आ गया पैसा तुम्हारे पास, चलिए अब आप क्या करो, अब पैसा आ गया, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा, मैं वो कर दूंगा, करने लगे, तो क्या आप स्वतंत्र हो गए? आपकी पराधीनता तो पैसे से बंधी हुई है ना, आप किसके अधीन हो, किसके अधीन हो? आपके सुख का आपने अधीनता पैसे की स्वीकार कर ली है। तो धन की अधीनता स्वीकार करके या किसी ऐसे विषयों की अधीनता स्वीकार करके आप भ्रम करके घूमने निकले हुए हो कि आप स्वतंत्र हो। तो जो कुछ भी सुख मिल रहा है आपको वो जड़ से मिल रहा है, जबकि आप चेतन हो। जो कुछ भी सुख मिल रहा है भाई, पैसा तो सड़क में पड़ा हुआ पैसा तो धन नहीं है ना। एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हो गए हैं ग्रेशम, उनने ग्रेशम का नियम बनाया, उसके साथ उन्होंने परिभाषित किया, मुद्रा की परिभाषा दी कि एक सड़क में पड़ा हुआ जो पैसा है वो धन नहीं है, क्योंकि उसमें विनिमय और हस्तांतरणशीलता के गुण नहीं है। जब वो पैसा किसी के हाथ में स्पर्श करता है वैसे ही चलने लगता है, पैसा की अपनी चलने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, नहीं होती। आप समझिए, तो आप पराधीन हैं विषयों से और अपने आप को स्वाधीन समझ रहे हैं। जितने विषय आते जा रहे हैं उनसे आप अपनी स्वाधीनता बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ऐसी जंजीरें जकड़ रहे हैं जिनको जितना आपने जकड़ लिया है आपको लग रहा है अब आप उतने स्वतंत्र हो गए, जबकि उतने ही बद्ध हो गए हैं। मनुष्य का जीवन भोग योनि नहीं है, मुक्ति के लिए है। जब आप भोगते भोगते थक जाते हो ना,
भोगते भोगते, हमारे यहाँ भोगने के लिए अनंत बने हुए हैं, 84 लाख योनियाँ बनी हैं भोगने के लिए, ये भोग योनि है। जितने भी मनुष्य योनि को छोड़ करके देखिए, हमारे यहाँ 9 सुंदर संरचना की है, 9वीं सृष्टि है प्रकृति की, मनुष्य 9वीं सृष्टि है। आप देखिए, अहंकार आया, माया आई, अविद्या आई, इंद्रियों की सृष्टि आई, देव सर्ग आए, तिर्यग योनि आई, ये सारी योनियां आते रही, वृक्षों की योनि आई, जड़ योनि आई, सारी योनियां आते रही, फिर एक मनुष्य की योनि बनी। मनुष्य की योनि भोग की नहीं है। तभी हमारे यहाँ भर्तृहरि कह गए, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। ठीक बात, भोग थोड़ी भोगे जाते हैं, भोग भोगने की योनि तो दूसरी है। यहाँ हम पराधीन होते हुए भी स्वाधीनता का आवरण ओढ़ लेते हैं और हम समझते हैं स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, तो हम विषयों के आगे पराधीन होकर के स्वयं भोक्ता बन करके बैठ जाते हैं, जबकि ये मुक्ति के लिए योनि है। एक पशु की योनि भोग योनि जैसा बन गया, एक पक्षी की योनि भोग योनि, भोग रहा है वो, आप जिसके लिए कहते हैं ना भोग रहा है, भोग रहा है, तो वो चाहता है भोग से मुक्ति मिले। कहाँ से मुक्ति मिले? एक बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में इसके लिए है, विषया शक्ति के लिए। मनुष्य कैसे विषया शक्ति होता है, यहाँ विषयों की व्याधियाँ कैसी होती है, उसमें 4 प्रकार की व्याधि बताई गई है भागवत जी में। भागवत जी में सुंदर वृतांत है, अपने यक्षराज कुबेर के पुत्र मणिग्री और नल कुबेर और मणिग्री दो पुत्र हैं कुबेर के, दोनों की जीवन वृतांत को बताते समय एक सुंदरतम श्लोक लिखा है। उसमें लिखा हुआ है, यवनम धन संपत्ति, यवनम यौन की अवस्था, धन संपत्ति, प्रभुत्व अविवेकिता, 4 यवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एकेकम अप्य अनर्थम किम यत्र चतुष्टकम। एक से ही अनर्थ हो जाएगा तो फिर 4 चीजों की जरूरत क्या है? तो उन्होंने ये 4 तत्व बताए। कथा मूल रूप से इस रूप में है कि कुबेर चूंकि यक्षराज थे तो उनके दोनों पुत्र जो हैं वो 4 अवगुणों से ग्रस्त हो गए थे। यवन की अवस्था थी, तरुणाई है एकदम, स्वच्छंद हो गए थे, धन संपत्ति आनंद थी, भाई देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुबेर, कुबेर का खजाना जिसको कहते हैं वो भी उनके जीवन में था। देखिए कैसे आदमी पराधीन हो रहा है विषयों से, तो धन संपत्ति अनंत थी उनके पास, और प्रभुत्व यानी अधिकार, कौन कितने अधिकार में, कौन कितना समर्थ है, कौन कितना समर्थ है, और फिर अविवेकिता, मूर्ख हो गए, मूड अहंकार में तन गए। जब आप किसी की प्रशंसा या निंदा करते हैं तो आप में ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता। प्रशंसा भी किसी कारण से कर सकते हैं और निंदा भी आप किसी कारण से कर सकते हैं, अपनी तृप्ति के लिए, अपनी प्रक्रियाओं के लिए, तो दोनों। इसलिए तो मेरे परमात्मा कहते हैं ना ना निंदा ना स्तुति। ठीक बात, ना मुझे निंदा चाहिए ना मुझे स्तुति चाहिए, सम भाव में जो रहते हैं, ना दुख ना सुख, ना अच्छा ना बुरा। तो अब ये 4 अवगुण चारों गुण में विद्वान हो गए थे, अविवेकी भी हो गए थे। तो एक दिन वो सुंदर सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे और वहाँ पर नाना प्रकार की अप्सराएं और वो लोग भी स्नान कर रही थी, उनके पास जल क्रीड़ा कर रहे थे, वो बैठे हुए थे। उधर से नारद जी निकले, नारद जी निकले तो उनको देखते ही जितनी अप्सराएं थी वो व्यवस्थित अपने वस्त्रों में हो गई और उनको प्रणाम करके एक तरफ चली गई। लेकिन वो दोनों वहाँ पर जो है वैसे ही लज्जा विहीन होकर के वैसे ही स्नान करते रहे और नारद जी का उपहास उड़ाते रहे, निंदा करते रहे, ये क्या था मुरा लिए घूम रहे, ये क्या वो कर रहे हो, हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं हम परम स्वतंत्र हैं, ये 4 बंधन उनके साथ आ गए हैं। देखिए यवन, यवन एक पन है, युवा एक पन है, यवन यवन एक पन है, ध्यान रखिए, पन वो कभी भी आ सकता है। जब भी आप प्रमाद में होते हो, मैं तो ये भी मानता हूँ, बहुत अच्छा है, प्रश्नकर्ता को मैं बधाई इसलिए देता हूँ कि वो युवा रहेंगे, क्योंकि निंदा करना भी एक युवा अवस्था का प्रतीक है, क्योंकि जो अविवेकी होगा, जो मूढ़ होगा, जिसके मन में जो अब तृप्त उतना ही में खुश है, वो बढ़िया आनंद में, तो इनके निंदा से लोग आनंद ले सकते हैं,
ये आनंद ले रहे हैं, जिस दिन इनकी निंदा से लोग आनंद लेने लगेंगे उस दिन इनका स्वरूप और खिलकर सामने आ जाएगा। लोग बोलेंगे आप नहीं मिले यार, आप नहीं मिलते तो आनंद मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। ये चार लोगों में बैठेंगे, ठाका लगने लगेगा, खुश हो जाएंगे, वो बताए। अच्छा उनकी नकल उतार कर बताओ, अच्छा उनके बारे में बताओ। आप दुनिया के बारे में बताते बताते बड़ा स्वतंत्र अनुभूति कर रहे हैं और उतने ही आप पराधीन होते चले जा रहे हैं। तो वो नारद जी का उपहास उड़ाते हैं। जब नारद जी का उपहास उड़ाते हैं तो नारद जी कहते हैं यार तुम जड़ हो, ये चेतन तत्व तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन तुम तो जड़ ही हो, तो क्यों ना तुम जड़ हो जाओ। तो उनको यमलार्जुन वृक्ष बना देते हैं। ये वही वृक्ष हैं जिसमें उखल में बनकर कृष्ण इनको मुक्त करते हैं। दामोदर बने कृष्ण जब यशोदा मैया उनको बांध देती हैं और वो उससे निकलते हैं तो दो वृक्ष यमलार्जुन के दोनों वृक्ष गिरते हैं और उससे वो मुक्त होते हैं। तब उनको जड़ता की अनुभूति होती है। तो जो लोग मनुष्य जीवन को जड़ता महसूस कर लेते हैं, उनको लगता है यही भोग है, वाह हम सोच सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो इसको समझ लेते हैं हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नहीं है, पराधीन सपने सुखनाई। आप पराधीन है, किसके पराधीन है? विषयाशक्ति के। तो यदि आप निंदा कर रहे हैं और विषय विरक्त होकर निंदा करने लगेंगे तो वो काव्य बन जाएगा। आप करिए ना, विषयों से विरक्त होकर निंदा करिए, करिए तो एक बार। भक्तों ने तो परमात्मा की भी निंदा की, तुम बड़े निष्ठुर हो प्रभु, तुम्हारा हृदय नहीं पसीज रहा है, तुम पाषाण हो गए हो प्रभु। मैं गया वृंदावन, तो वृंदावन में मैं दर्शन कर रहा था बांके बिहारी की, बड़ी सुंदर विग्रह उनके सामने थी, मैं आत्मानंद की अनुभूति कर रहा था और उनके स्वरूप में उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अनुभूति करने का प्रयत्न कर रहा था। तब तक पीछे मुझे किसी की करुणामयी आवाज़ सुनाई पड़ी, तुम्हें आना होगा, बेटी की शादी है, पैसा नहीं है मेरे पास, लड़के वाले धन मांग रहे हैं, क्या कर रहे हो यहाँ खड़े खड़े, क्या मुस्कुरा रहे हो? वैसे ही जैसे द्रौपदी ने करुणा में पुकारा था, अब नहीं आए, वैसे ही जैसे गजेंद्र ने करुणा में पुकारा था। पुकारते हैं परमात्मा को, तो जब आप ऐसे करुणामय भाव में पुकारने लग जाएंगे तो फिर उनकी आलोचना भी करेंगे। मेरे पिताश्री कहते थे, कभी बैठे हुए वो सांसारिक माया में आ जाते थे तो वो कहते थे देखो तो वो भवानी को लाज नहीं आ रही है, 100 बरस से अधिक समय मेरा यहाँ निकल गया है, बुलाती नहीं है, उसको क्या हो गया है, कब बुलाओगी? ये ऐसी निंदा, ध्यान रखिएगा, निंदा में जिस दिन सुमिरन आ जाए, आप स्मरण में निंदा करते हो ना, ठीक बात। स्मर, स्मर कहते हैं काम को, स्मर छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम, स्मर यानी काम, विषयाशक्ति में आप निंदा करने बैठे हुए हो ना लोगों के, तो आप करिए निंदा। निंदा से तो बहुत अच्छे साहित्य की संरचना होती, निंदा का ही विशुद्ध स्वरूप व्यंग बन जाता है। आपने किसी साहित्यकार का नाम लिया था प्रारंभ में, किसी को स्मरण किया था आपने प्रारंभ में, तो आप निंदा को व्यंग बना सकते हो। और व्यंग और विनोद का तो जमाना है, बड़े बड़े चैनल इससे चल रहे हैं, एक दूसरे की हंसी उड़ा करके और खिलखिलाकर और करते हैं, तो उसमें एक साहित्य का संपुट लग जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे निंदक बन जाएं जिसके मन का द्वार बहुत छोटा हो और इतना आनंद दुर्लभ ये तन जो मिला हुआ है ये भोग के लिए नहीं मिला हुआ है। किसी ने पूछा कि मनुष्य का जीवन किसके लिए मिला हुआ है, अरे ये मुक्ति का पथ है, भोगा न भुक्ता वे में भुक्ता, भर्तरी कह रहे हैं मुक्ति का पथ है। भर्तरी ने वो परिक्रमा देख ली ना कि अमर फल मिला, संत आए, राजा भर्तरी बड़े प्रतापी राजा थे, विक्रमादित्य के अग्रज थे, प्रतापी राजा थे, उनको वो अमर फल प्रदान किया, उनने अमर फल लिया तो उनने कहा इससे बोले आप सदैव एक जैसा दिखते रहोगे, भोग का चरम है अमर फल, अमृत नहीं प्रदान किया अमर फल प्रदान किया, हमेशा युवा रहोगे, व्याधि आपके साथ ही लगी रहेगी, हाँ वही बने रहेंगे। उनने कहा मैं अपनी पत्नी को दूं, पत्नी ने कहा मैं क्या करूंगी, दीवान जी को दे दिया, दीवान जी ने जो है उसको वाचाल महिला को दे दिया, वाचाल महिला ने वही अमर फल ला कर कि मैं क्या करूंगी, मेरे राजा जुग जुग जिए तो कितना अच्छा होगा, तो राजा को दे दिया। उन्होंने कहा भोगा न भुक्ता वय में भुक्ता, तपो न तप्तम वय में हो तपता, तृष्णा न जीर्णा वय में हो जीर्णा, कालो न याता वय में हो याता। भर्तृहरि ये सुंदर सिद्धांत कह गए,
भर्तृहरि सावधान करते हुए कहते हैं कि देखो इस शरीर को भोग का अर्थ मत समझ लेना, यदि आज का बनाया हुआ अनाज दो दिन बाद सड़ सकता है तो उस अनाज से बने हुए शरीर की कितनी बड़ी प्रक्रिया है। बहुत सुंदर बात है। परतंत्र स्वभाव में निंदा करते हैं, स्वतंत्र स्वभाव में निंदा करने लगे, अर्थात आप अपने आप के अंतर्चित में एक एक काम क्यों नहीं करते, कभी आप अपनी खुद की हंसी उड़ाकर देखिए बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप अपने बारे में बोलकर देखिए बहुत अच्छा लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो यही है कि ये जो योनि है मनुष्य की, इसका जन्म भोग के लिए नहीं। भोग की जो योनियां हैं सनातन परंपरा की दृष्टि की बात हम कर रहे हैं, बाकी आप जो सिरे पर हैं आपकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, दृष्टियां हैं, धारणाएं हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। जीवन आपका है, चिंतन आपका है, अध्ययन आपका है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि अभयारण्य में पशुओं का अखेट करने वाला राजा बाघ ध्यानमग्न है, ध्यान कर रहा है, या चहचहाने वाली कोयल जो है उसको ईश्वरानुभूति हुई है और आजकल वो प्रतिदिन 15-15 मिनट ध्यानस्थ होती है आम के पेड़ पर। जो श्वान हमने अपने घरों में और बाहर हैं, ये श्वान भी मुक्ति की आराधना में लिप्त हैं। हालांकि ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि किसी सर्प को किसी मंदिर में देखा गया, या छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जहाँ कहा जाता है नवरात्रि में रीछ आते हैं। ये सब अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन मनुष्य के पास ये गुण है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं ध्यान और मुक्ति की तरफ वो अधिक चले हैं। गौतम बुद्ध के जीवन में कोई कमी नहीं थी। राम और कृष्ण को हम ईश्वर ज़रूर कहते हैं, लेकिन कैसे ईश्वर भाई, जिन्होंने पूरा उस मार्ग को फॉलो किया। अगर ईश्वर थे तो एक बाण छोड़ते रावण समाप्त होता, अपना 14 वर्ष का वो जो भी प्रहसन कह लीजिए, आडंबर कह लीजिए, करते राम और चले आते। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया क्यों फॉलो करते हैं वो? राम की शक्ति पूजा में तो निराला कहते हैं कि किसी सामान्य मनुष्य की तरह रो रहे हैं राम वन में, एक कवि की कल्पना है, लेकिन क्या ये निराधार प्रतीत होती है क्या? नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो ईश्वर का अवतार भी है तो मनुष्य योनि में उसको इसका स्मरण नहीं है। होगा भी तो वो तमाम प्रक्रिया करने के बाद जब वो उस आनंद और उस मोक्ष की तरफ बढ़ता है तब वो समझता है कि क्या कुछ है हमारे पास। आज के युग में 2022 में भी कितने चिकित्सक, कितने प्रोफेसर, कितने पत्रकार, कितने राजनेता क्यों ध्यान करते हैं? छोड़ दीजिए किस गुरु के पास जाते हैं, भूल जाइए इस बात को, उनके पास तो सब कुछ है भोग के लिए। फिर कोई कहाँ क्यों कहीं नृत्य करता हुआ दिख जाता है और आप कहते हैं कि ये तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के शीर्षस्थ वैज्ञानिक है, लेकिन वो डूबे हुए हैं ध्यान में, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया है अपनी 5 लाख तनख्वाह, 6 लाख तनख्वाह, पूरी दुनिया में पत्र जाने के बाद भी, पेपर्स रिसर्च पब्लिश होने के बाद भी, कि सच्चाई मुक्ति में है, भोग में नहीं है। पेरिस में एफिल टावर को देखकर वहाँ के किसी भव्य रेस्तरां में भोजन करना मुक्ति नहीं है। तो स्वामी जी, आपकी बातों से मुझे एक स्मरण आ गया। आप ध्यान रखिए, संसार चक्र में सभी भोग योनियों में जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो मनुष्य के जीवन से मुक्ति के लिए परम सौभाग्य क्या मिलता है मालूम है? सारी भोग योनियां प्रारब्धगत है, वो प्रारब्ध है कर्म करने के लिए। बड़ा सुंदर तत्व क्या मिलता है मालूम आपको? रसना। इसको कहते हैं रसना, जिव्या। जिव्या, आप ध्यान रखिए, आप इस जिव्या को, इस दुर्लभ जिव्या को, जिससे आप जो भी वचन कहें वो अमृत वचन भी हो सकता है, परमात्मा का ध्यान सुमरण कर सकते हैं, सत्कर्म में चलने की व्यवस्था कर सकते हैं, इसका उपयोग आप काय में कर रहे हैं, किस तत्व के लिए कर रहे हैं? अच्छा, आपको इतने जीवन के बाद जिव्या मिली, अब शेर तो बात नहीं करता ना, स्वान तो संभाषण नहीं कर सकता ना, जिव्या तो आपके पास ये रसना जो 56 भोगों का स्वाद ले रही है, पुष्ट जिव्या। तो मेरे बाबा इस जिव्या का अर्थ समझा देते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं राम नाम मणि दीप धरी। अरे इस जिव्या में मणि धारण कर जीह देहरी द्वार।
तुम मणि ना रख करके कांच धारण करके रखे हो अगर उसमें, वो काट देगी जीभ को। सही बात। राम नाम मणि दीप धरी और जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर ही ज्यों चाह से उजियार। तो जब भी आप विषयों के संदर्भ में जिह्वा का उपयोग करते हैं, विषय आनंद प्राप्त करने के लिए जिह्वा का उपयोग करते हैं, तब आप बहिरंग में कांच का उपयोग करते हैं, और जब भी आप अंतर चित्त में आनंद के लिए परमात्मा का चिंतन करते हैं, देखिए परमात्मा का चिंतन ये लोक कल्याण के लिए जब भी इसका उपयोग करते हैं, तो आप उस मणिदीप का उपयोग करते हैं जिससे आपके अंतर चित्त में आनंद ही आनंद हो जाता है और आप भोग से मुक्त होकर के मुक्ति के पथ पर चले जाते हैं, और तब आप पराधीन नहीं तब स्वाधीन होते हैं। इसको इस तरह से भी थोड़ा सा समझिए, 2016 के सिंहस्थ में जब हम थे और एक बहुत विज्ञ सन्यासी से हमारी चर्चा हुई इसी रसना की बात पर, उन्होंने कहा कि आपको क्या मिष्ठान क्या मिठाई प्रिय है। हम तीन चार लोग बैठे थे, हम सब ने अपनी अपनी मिठाइयों के नाम लिए। उन्होंने कहा कितनी मात्रा में खा सकते हैं, किसी ने कहा मैं 10 रसगुल्ले खा सकता हूँ, उन्होंने कहा 11वां क्यों नहीं खा सकते, उन्होंने कहा नहीं साहब मन भर जाता है। उन्होंने कहा मन भर जाता है, आप तो कह रहे हैं बहुत प्रिय है। बोले नहीं नहीं फिर कुछ दिनों के बाद फिर मिलेगा तो फिर 11 रसगुल्ले खा सकता हूँ, हो सकता है एक दो बढ़ जाए। उन्होंने कहा चलिए बढ़ गया 15 के बाद, अरे नहीं नहीं साहब 15 के बाद तो नहीं खा पाऊंगा। उन्होंने कहा क्या उत्तर है आपका, मन भर जाता है। बोले इन सारी चीज़ों से आपका मन भर जाता है लेकिन यहाँ तक आप जाते नहीं हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं अतृप्त हूँ, अभी भी करता हूँ प्रभु भजन की तरफ, ध्यान की तरफ जाता हूँ, क्योंकि आपका मन भरा नहीं है। पहले मन भर लीजिए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा पहले मन भर लीजिए अपना, आपको खाने का शौक है खूब खाइए, पीने का शौक है छक कर पीजिए, लेकिन एक दिन स्वतः वो समय आएगा जब घंटी बज जाएगी और ये घंटी खुद कहेगी कि मन भर गया है। दरअसल हमारा मन भर गया है, इस तरह का कोई ऑटोमेटेड स्विचिंग सिस्टम हमारे पास है नहीं, वो भी अध्यात्म या ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, इसीलिए हम आधे अधूरे भटकते रहते हैं। मोहन राकेश जी का बड़ा सुंदर कृति है उनकी, हम सब आधे अधूरे ही हैं, हम अपना मन भरने की ध्वनि को सुन ही नहीं पाते हैं। तो ये मन भर जाए उसके बाद मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है, और वहाँ निंदा भी छूट जाती है, विषय की आसक्ति भी छूट जाती है, और वहाँ पर कभी मन नहीं भरता है, वहाँ तो आनंद में आनंद के सागर में ऐसा गोता है कि परमानंद परमानंद और परमानंद, मन तृप्त रहता, मन तृप्त रहता है, अतृप्ति नहीं है। बहुत सुंदर बात है, तो बहुत अच्छी व्याख्या और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आप समझ पाए होंगे हमारे युवा मित्र जिन्होंने निंदा के जरिए एक आक्षेप भी किया था, शायद हमारे ऊपर ही किया था, प्रणाम है आपको, बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे, अनुमति दीजिए, नमस्कार।